हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब HRTC की बसों में बिना पिन UPI से मिलेगा बस टिकट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 17 मई से शुरू की गई कैशलेस सुविधा का लाभ भरपूर यूज कर रहे हैं। दरअसल अब तक इस कैशलेस सुविधा का 4400 लोगों ने फायदा उठाया है। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के खाते में करीबन 11,50,000 रुपये इस माध्यम से अभी तक जमा हो चुके हैं। लोगों को निगम की यह सुविधा काफी पसंद आ रही है। वह प्रदेश के 12 क्षेत्रों में लगभग 500 बस टिकटिंग मशीनों के द्वारा कैशलेस सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यह भी पाया कि इसमें सबसे ज्यादा किराया यशवंत सिंह परिचालक के द्वारा किया गया, जो कि शिमला स्थानीय क्षेत्र में ही कार्यरत है। उन्होंने करीब 500 लोगों को कैशलेस सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही यशवंत सिंह की ओर से बस में सफर कर रहे यात्रियों को भी इस सुविधा के द्वारा भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस बारे में परिवहन निगम का यह भी कहना है कि जो भी चालक और परिचालक सबसे ज्यादा यात्रियों से किराया प्राप्त करेंगे, उन्हें यथोचित सम्मान भी दिया जाएगा। इस सुविधा से भुगतान को जल्दी और सुगम करने के लिए UPI पेमेंट एप्लीकेशन पर UPI लाइट सुविधा को चालू किया गया है। सब्सिडी में मिलने वाली सोलर लाइट्स केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाला मिशन। जय प्रदेश की पंचायत की गलियों पर अब केंद्र सरकार की नजर इनायत होने के चलते अंधेरा छाया हुआ है। वह प्रदेश की पंचायतों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उपदान पर संचालित स्ट्रीट लाइट्स अब ठंडे बस्ते में चली गई है। वह पंचायतों को अपने स्तर पर फंड जुटाकर नॉन सब्सिडी की लाइट्स को संचालित करना पड़ रहा है। वह सोलर मिशन के तहत केंद्र के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 90% तक सोलर लाइट्स पर दिया जाने वाला उपदान को विगत 3 वर्षों से बंद कर दिया। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा भी सोलर मिशन के तहत SC कंपोनेंट के तहत 10% हिस्सेदारी के तहत राशि प्रदान की जाती थी, जो अभी पिछले 1 वर्ष से रुकी हुई है। नतीजन प्रदेश की पंचायतों को सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाली स्ट्रीट लाइट अब पूरी तरह से उपदान रही थी। वह प्रदेश भर में हिम ऊर्जा के पास सोलर लाइट के लिए 1 लाख आवेदन आए हैं, जिसकी प्रपोजल हिम ऊर्जा द्वारा केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को भेजी गई थी। मगर विगत 3 वर्षों से केंद्र के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश को मिलने वाली सोलर लाइट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आचार संहिता खत्म होते ही स्कूल में भर जाएंगे JOA के 2000 पद। सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। जो आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही प्रदेश के स्कूलों में JOA के खाली पड़े 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वह सरकार की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 दिसंबर 2023 को बना लिए थे। मैं इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश दिए थे। मैं पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, उनके स्थान पर नए कैडर के JOA लाइब्रेरियन के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। वह न्यू कैडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बना दिए गए। वह लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। रायबरेली अमेठी का चुनाव निपटाकर हिमाचल आएंगे राहुल और प्रियंका गांधी, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी का चुनाव निपटाकर प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। वे दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में 20 के बाद ही प्रदेश में स्टार प्रचारकों की चुनावी जनसभाएं करवाने की तैयारी है। वे पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजधानी शिमला स्थित अपने निजी आवास में रहकर ही प्रियंका गांधी पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। वे हिमाचल के लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रियंका शिमला अपने घर को बेस कैंप बनाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका ने शिमला से ही चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। राहुल और प्रियंका गांधी की मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा कांगड़ा, सोलन, लाहौल स्पीति, सुजानपुर और ऊना में रैलियां करवाने की तैयारी चल रही है। 22 को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मंडी में जनसभा करवाई जा सकती है। नाहन और मंडी में होगी PM की चुनावी रैलियां। जयराम बोले, जनता झोली में डालेगी चारों सीटें। जयपुर में CM व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आने से जनता लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटें एक बार फिर से भाजपा की झोली में डालेगी। यह दबाव उन्होंने मंडी के पडल मैदान में 24 मई को प्रस्तावित PM मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए किया। बता दें कि पूर्व CM व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 24 मई को हिमाचल में PM नरेंद्र मोदी को 2 रैलियां होने वाली है। वह एक रैली नाहन में सुबह व दोपहर को छोटी काशी मंडी में होगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये कहते हैं 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म करने की करते हैं बातें। जब मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये जो 400 पार वाली बात है, ये महज जुमला है, यह कभी पूरा नहीं होगा। मैं देश में स्थिति बदल रही है, उनका यानी कि भाजपा सफाया हो गया, मैं दक्षिण और उत्तर में आधा हो गया है, इसलिए इनकी भाजपा की सरकार बनना असंभव है।
दसवीं और बारहवीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, जाने लास्ट डेट और फीस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन 5 जून को करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान 31 मई तक बिना लेट फीस, जबकि इसके बाद 5 जून तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ₹1,000 लेट फीस के साथ आवेदन करना होगा। सड़कों की टारिंग में गारंटी देने से मुकरे ठेकेदार एसोसिएशन ने ईएनसी को लिखा पत्र, जाने पूरा मामला। जय हिमाचल में इन दिनों सड़कों की टारिंग का काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 2000 किलोमीटर टारिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग ने ठेकेदारों को 25 mm मिक्स सील सरफेसिंग करने को कहा है, लेकिन ठेकेदार MSS करने से मुकर गए। ठेकेदारों को कहना है कि सड़कों की गुणवत्ता के चलते यह ठीक नहीं है, ऐसे में इस टारिंग की गारंटी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में पहले की तरह 30 mm क्रिक टेयरिंग करने की हामी भरी है। इसको लेकर एसोसिएशन ने इंजीनियर इन चीफ को पत्र लिखा है, कहा कि अगर सड़कें उखड़ी तो ठेकेदार इसका जिम्मेदार नहीं होगा। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो और बेटे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जाने पूरा मामला। जो कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में देहरा पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। यह मामला लोक निर्माण विभाग की शिकायत पर दर्ज हुआ है। वह पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। वहीं बता दें कि भुट्टो का बेटा कर्ण सिंह सरकारी ठेकेदार है। वह लोक निर्माण विभाग ने शिकायत दी है कि कर्ण ने टेंडर हासिल करने के लिए जो दस्तावेज संलग्न किए वे फर्जी हैं। वे मामले का पता चलते ही विभाग ने कर्ण के नाम जारी टेंडर भी रद्द कर दिया। अब पुलिस ने विभाग की शिकायत पर पिता और पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वह चुनावी समय में पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भाजपा प्रत्याशी भुट्टो की मुश्किलें बढ़ गई है। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला प्रवास के दौरान पहले ही कांग्रेस के बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की बात कर चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने घेरी केंद्र सरकार, जानिए क्या बोले। जी हां, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने मंडी जिला के जोगिंदर नगर में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। मैं आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में जरूरतमंद वस्तुओं की कीमतों का ग्राफ 72% बढ़ा है। मैं घरों में रोजाना प्रयोग होने वाली चीजों की दर में 40% बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए न तो केंद्र सरकार के पास कोई नीति है और न ही कोई विजन है। मैं आंकड़ों की बात करें तो कोविड के बाद हमारे देश में बेरोजगारी की रेट 8.53% है। वह एक तरफ भाजपा के नेता भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं और दूसरी ओर भ्रष्टाचार को संरक्षण व प्रोत्साहन भी देते हैं। सेंधार में आग का तांडव, लोगों ने रात भर लगाया पहरा, जंगल में कटी रात। जिला सिरमौर का सेंधार क्षेत्र भीषण आग से दहक रहा है। में आलम यह है कि जंगल की आग पर काबू पाने के बाद भी जंगल सुलग रहे। में 3 गांव के दर्जनों ग्रामीणों की रात आग बुझाते जंगल में ही कटी। में काफी हद तक लोगों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन सुबह के समय आग ने फिर तांडव मचाया। इसे वन संपदा को तो भारी नुकसान हुआ ही है। वह कई ग्रामीणों की घासनियां भी जलकर राख हो गई है। वह लिहाजा पशु चारे का संकट भी पैदा हो गया है। खान डोमिनेटेड है फिल्म इंडस्ट्री, वहां सनातन का झंडा गाड़ी रखना अपने आप में बड़ी बात। जब मंडी से बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत का कहना है कि बॉलीवुड खान डोमिनेट है, वहां सनातनी सोच के साथ चलना बड़ी बात है। हालांकि वह उस वक्त बीजेपी वर्कर नहीं था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सनातन का झंडा उठा रखा और इस कारण उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट भी छोड़ने पड़े। वह कंगना ये बात मंडी में आयोजित पहली पत्रकार वार्ता में कही। वह कंगना ने कहा कि वह अपने ढंग से सनातनी सोच वाली बीजेपी के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। वह कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री खान डोमिनेट है और वहां पर सनातन का झंडा गाड़कर रखना अपने आप में बड़ी बात है। वह फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी सोच रखते हैं और इस तरह की फिल्में भी बनाते हैं जिससे देश के सैनिकों का मनोबल गिरता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उरी और मणिकर्णिका जैसी फिल्में बनाते हैं। वह बीजेपी कैंडिडेट ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर भी कटाक्ष किया, जिसमें सीएम ने कहा था कि कंगना यहां 2 महीने की शूटिंग के लिए आई है। वह कंगना ने कहा कि यह बयान सीएम और कांग्रेस की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। हाथ को मिलेगा जनता का साथ या फिर बागी खिलाएंगे कमल, लोकसभा के रन से ज्यादा 6 सीटों के उपचुनाव की चर्चा। जब अच्छे खासे बहुमत से हिमाचल की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस सरकार को राज्यसभा चुनाव में ऐसा झटका लगा कि पहाड़ी प्रदेश का सारा सियासी प्रदेश से बदल गया। इस समय लोकसभा चुनाव से अधिक हिमाचल की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की चर्चा है। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का पहला लक्ष्य विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करना है। वही गणित ऐसा है कि 6 सीटों वैकेंट होने के बाद अब विधानसभा की स्ट्रेंथ 62 सीटों की रह गई है।
हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर 3,33,000 कैश बरामद चुनाव को लेकर 51 टीमें की पैनी नजर। जिन लोकसभा चुनावों के चलते 3 राज्यों के साथ सटे सिरमौर जिला में पुलिस के साथ साथ जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से गठित विभिन्न 51 टीमें पैनी नजर रखे हुए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर एक व्यक्ति के कब्जे से 3,33,000 रुपये कैश बरामद किया है। वह संबंधित केस को लेकर व्यक्ति कोई भी दस्तावेज पुलिस के समक्ष पेश नहीं कर पाया। वह लिहाजा पकड़े गए कैश को सरकारी खजाने सिलाई में जमा कराया जाएगा। दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा जयराम का नया काला कोट, दिन में सपने देखना छोड़ दें, सीएम सुक्कू ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखमिंदर सुक्कू ने बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला। वह सीएम सुक्कू ने कहा कि आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तब वह हथियार नहीं डालता है, वह बल्कि योद्धा की तरह लड़ता है। वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिन में सपने देखना छोड़ दें, वर्तमान कांग्रेस सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वह नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि 29 फरवरी को जयराम ने दर्जी को नया कोट सिलने का ऑर्डर दिया था, लेकिन धन बल का प्रयोग करने के बाद जो नया काला कोट शपथ लेने के लिए सिलाया था वह दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा। सीएम ने कहा कि जिन विधायकों ने भाजपा को अपना ईमान बेचा है उनकी पूरी कुंडली खुल रही है। वह जनता जान चुकी है कि बिकाऊ विधायक एक महीना हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आई। वे सरकार गिराने की साजिश रचने में लगे थे और परिवार को भी मुंह दिखाने काबिल नहीं थे। हिमाचल में इन वोटर्स को नहीं जाना पड़ेगा पोलिंग बूथ, घर से वोट डालकर चुनेंगे अपना सांसद। हिमाचल में कोई भी वोटर्स मतदान करने से छूटे, इसके लिए चुनाव आयोग से आगामी चुनाव में भी घर से वोट डालने की सुविधा दे रहा है। इसके लिए 85 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के मतदाताओं, 40% से अधिक विकलांगताओं वाले दिव्यांगजन मतदाताओं ने फॉर्म 12D भरा है। ऐसे में ये मतदाता घर से ही वोट डालकर अपना सांसद चुनेंगे। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी को गृह RO या ARO कार्यालय पर स्थापित पोस्टल वेटिंग सेंटर यानी कि PVC के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 12D के माध्यम से निर्वाचन विभाग को 48,919 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अब तक 37,362 फॉर्म स्वीकृत किए जा चुके हैं। परमाणु में डायरिया से 5 लोग पीड़ित। जो औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में डायरिया मामले में लगातार उतार चढ़ाव चला हुआ है। वे बीते 3 दिन से 5 मामले आ रहे हैं। वह शनिवार को भी ESI अस्पताल में भीड़ लगी रही। वे OPD में 5 लोगों डायरिया से ग्रसित पाए गए। वे अब परमाणु में डायरिया के 754 मामले हो गए। वे शनिवार को अस्पताल में उपचार के लिए आए डायरिया पीड़ितों में किसी को भी भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। आशा वर्कर की टीम घर द्वार पर जाकर लोगों को पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही है। वहीं अब टीम ने स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी जागरूक करना शुरू कर दिया है। मैं घरों में क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही है। मैं क्लोरीन के उपयोग करने की विधि पर भी लोगों को बताया जा रहा है ताकि लोग पानी की टंकियों में क्लोरीन की गोलियां डाल सके। मैं घरों में पानी की टंकियों की सफाई करने का आग्रह भी स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है। मैं उधर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि शनिवार को डायरिया से 5 लोग पीड़ित निकले हैं। वे लोगों को आशा कार्यकर्ताओं की टीम जागरूक कर रही है। मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी नजर बनाई हुई है। बद्दी साई मार्ग से हटाया अतिक्रमण। जय नगर परिषद ने कई बार इन अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं हटे। मैं शनिवार को नगर परिषद ने पुलिस के सहयोग से बद्दी साई मार्ग से यह अतिक्रमण हटाया। मैं रविवार को पुरानी सब्जी मंडी में सीएम सुखविंदर सुक्कू की चुनावी जनसभा में जिसके लेकर नप व पुलिस ने यह कार्रवाई की। मैं नगर परिषद के EO ललित कुमार ने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से 1 साल पहले आदेश जारी हुए थे, मैं जिस पर उन्होंने कई बार अतिक्रमण करने वालों की चेतावनी दी थी, लेकिन नप के बार बार कहने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। वह सरकार के सख्त आदेश दोबारा जारी होने के बाद उन्होंने शनिवार को अभियान चलाया और जिन लोगों ने बद्दी साई मार्ग पर अतिक्रमण किया हुआ था उसे हटाया गया। इस कार्य के लिए उन्होंने पुलिस का भी सहयोग लिया। हिमाचल में बनी हृदयघात, अल्सर और BP समेत 7 दवाओं के सैंपल फेल। जो अप्रैल के ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की 7 दवाओं समेत देश के 50 दवाई मानकों पर सही नहीं पाई गई है। हिमाचल में बनी संक्रमण हार्ट फेल, किडनी उल्टी, अल्सर, BP व घबराहट की बीमारी के लिए तैयार की गई दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। वह सोलन जिले की 4, सिरमौर की 2 व ऊना के 1 कंपनी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने अप्रैल में देश भर में दवाओं के सैंपल लिए थे जिनमें 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। हिमाचल में 66,390 सर्विस वोटरों को मतदान के लिए ई पोस्टल बैलेट जारी। जिन लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है वे प्रदेश में 21 मई से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वे 21 से 29 मई के बीच 50 साल से अधिक उम्र के मतदाता, 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के घरों से वोट डलवाए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 66,390 सर्विस वोटरों को भी ई पोस्टल बैलेट जारी कर दिए हैं। वे सेना सहित अलग अलग सशस्त्र बलों में नौकरी कर रहे सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिकली
ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम शनिवार को जारी किए गए। वे ऑनलाइन माध्यम से जारी पोस्टल बैलेट सर्विस से वोटर डाउनलोड करके अपने मनपसंद प्रत्याशी को मतदान करेंगे। वे लिफाफे पर QR कोड लगा रहेगा। वह कोड स्कैन कर परखा जाएगा कि यह ETBPS निर्वाचन कार्यालय से जारी किया गया। वह QR कोड मैच न होने पर वोट अवैध घोषित किया जाएगा। वह मतगणना के दिन सुबह 8 बजे तक प्राप्त पोस्टल बैलेट को स्वीकार कर गणना की जाएगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में चोरी की बिजली का इस्तेमाल 10,000 जुर्माना। जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फतेहपुर की रेहन जनसभा में चोरी की बिजली का इस्तेमाल होने का मामला सामने आया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। मैं इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कहां से बिजली की तार को अवैध तरीके से पंडाल तक पहुंचाया गया। वह मामला शनिवार का है। वहीं मामला संज्ञान में आते ही बिजली बोर्ड ने ठेकेदार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी किया। वह मीडिया रिपोर्ट्स में बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता ने बताया कि यह सूचना मिली थी कि रेहन में आयोजित भाजपा की जनसभा के दौरान बिजली की चोरी की गई थी। वह तुरंत ही टीम को जांच के लिए मौके पर भेजा गया था। जांच में सत्यता पाई गई है। बुजुर्ग दंपति ने निभाई 7 फेरों की सौगंध। पत्नी की मौत के चंद घंटे में फौजी साहब ने त्यागा संसार। ये 7 फेरों के दौरान वर वधु 7 जीने मरने की सौगंध लेते हैं, मगर सांसारिक जीवन में ऐसा दुर्लभ ही होता है जब 7 जीने के बाद कुदरत 7 मरने का भी मौका दे। हर सुहागन का एक ख्वाब होता है कि उसकी मौत पति से पहले ही हो। यहां पत्नी का निधन पति के स्वर्गवास से चंद घंटों पहले हुआ। वह बुजुर्ग महिला ने संसार को एक सुहागन के रूप में ही त्यागा। मैं अंतिम संस्कार के बाद शोकाकुल परिवार घर लौटा ही था कि कमलापति के रिटायर फौजी पूरन चंद पठानिया की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं तुरंत ही हमीरपुर अस्पताल पहुंचाया गया। मैं हमीरपुर में पठानिया ने भी दम तोड़ दिया। मैं शाम को सेवानिवृत्त फौजी यानी कि उम्र 83 वर्षीय का अंतिम संस्कार भी पत्नी की चिता की बगल में किया गया। 25 साल बाद 24 को नहान आएंगे मोदी। चौगान मैदान में आने वाले होंगे तीसरे प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 25 साल बाद ऐतिहासिक शहर नहान पहुंचेंगे। वह फर्क यह है कि 25 साल पहले नरेंद्र मोदी राज्य में भाजपा प्रभारी हुआ राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आए थे, वहीं अब दुनिया के ताकतवर शख्सियत के तौर पर पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी से पहले ऐतिहासिक चौगान मैदान में 80 से 90 के दशक में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व स्वर्गीय चंद्रशेखर भी आ चुके हैं। कंगना बोली, मेरी बात समझने के लिए विक्रमादित्य को लेने पड़ेंगे कई जन्म। जो भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का कहना है कि बेशक वह भाजपा की कार्यकर्ता नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सनातन का झंडा उठा रखा और इस कारण उन्हें करोड़ों के प्रोजेक्ट भी छोड़ने पड़े। यह बात उन्होंने मंडी में आयोजित अपनी पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। वह कंगना ने इससे पहले कभी भी मंडी में पत्रकार वार्ता नहीं की थी। वह कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को उनकी बातें समझने के लिए अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे। चंबा में मेरा वोट मेरा भविष्य थीम पर मैराथन DC ने दिखाई हरी झंडी। जो लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिला चंबा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से 19 मई को जिला मुख्यालय में एक मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन ऐतिहासिक चौगान मैदान से शुरू होकर करिया स्थित वन विभाग की चेक पोस्ट तक जाकर वापस मिली। वह मैराथन नियम गेट पहुंचकर संपन्न हुई। इस मैराथन में 16 वर्ष की आयु से अधिक 30 महिलाओं व 70 पुरुषों ने भी भाग लिया। हर घर पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल। जब भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा शासन में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए गए और PM नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ पक्के घर और बनाए जाएंगे। कोई भी पक्की छत के बिना नहीं रहेगा। देश के लोगों के घरों का बिजली का बिल शून्य करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जो बिजली बच जाएगी उसे सरकार खरीदेगी ताकि यह लोगों की आमदनी का भी माध्यम बन सके। कांग्रेस की बिजली गुल है और प्रदेश में बिजली से अंधेरा छाया है। कांग्रेस को अपनी दी गई 300 यूनिट की गारंटी भी याद नहीं है। मैं आने वाले वर्षों में हर घर तक पाइप से गैस को पहुंचाया जाएगा। मैं आज देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी देश की 40% आबादी को PM नरेंद्र मोदी ने 5 लाख तक की निशुल्क के इलाज की सुविधा दी है और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 70 साल से अधिक उम्र के देश के हर व्यक्ति को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख तक का निशुल्क इलाज दिया जाएगा। आज देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से निर्माण हो रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय राधा माधा।